ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो एक बारी मम्मा इकोनॉमी की भी अवतार थी, तो इकोनॉमी सिखाने वाली, तो उस समय मधुबन में इतना कोई संपन्नता नहीं थी, इतना जिस आज बहुत ही हमें दिखाई देता है, और कैसे इकोनॉमी से यज्ञ चलता था। तो मम्मा ने सभी को, सभी जो रहने वाले थे और मैं भी गई थी, तो एक बट्टी साबुन कपड़ा धोने का मिलता था मास भर में, और एक मिलता था स्नान का। और चूँकि वहाँ पे इतनी खुश्की होती है आबू में, जो परमानेंट रहते तो उनके स्किन भी खुश्क हो जाते थे, तो उनको सरसों का तेल मिलता था कि बदन में लगा लेंगे तो खुश्की नहीं होगी। तब कोई बॉडी लोशन और बॉडी क्रीम नहीं होता था, सरसों का तेल मिलता था। तो मेरा जो साबुन, क्योंकि हफ्ते में एक बार विश्वरतन दादा भाइयों के कपड़े की भट्टी चढ़ाते थे, और एक बार बहनों के कपड़े की चढ़ाते थे, सोडा वगैरह डाल के भट्टियाँ जला के पकाया जाता था, और विश्वरतन दादा फिर वो जैसे धोबी का पाटा होता था उस पर पीटते थे, और सब कपड़े को पानी से धो के निकालते थे। तो मेरी जो साबुन की भट्टी थी वो तो 3 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई। तो मैंने बोला, मम्मा साबुन तो मेरा ख़त्म हो गया। मम्मा ने कहा, कैसे, अभी तो मास पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा, मम्मा मैंने कपड़ा ही तो धोया है और क्या किया है। मैंने कहा, कैसे धोती हो? फिर मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने कहा, देखो कपड़ा पूरा नहीं ख़राब होता है, गंदा नहीं होता है, नीचे का जो बॉर्डर है, किनारी है, वो गंदी होती है, और ब्लाउज का कफ और कॉलर गंदा होता है। तो बताया मम्मा ने, इसे उठा के पल्ला और ऐसे ऐसे चुन्नट पूरी साड़ी का करके दिखाया, का देखो ऐसे हाथ में पकड़ो और साबुन को पानी लगा के ऐसे हाथ से पोंछ के ऐसे रगड़ो, तो सारी जो किनारे की है वो जरा से साबुन में साफ हो गई, और हल्का सा साबुन लगा के फिर तुम्हारे सब धुल गए। तो ऐसे कफ लगाओ ब्लाउज का, तो ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। जब मैंने करके देखा तो जो मेरा 1 हफ्ता पहले जब भट्टी ख़त्म हुई थी और 1 मास आगे मुझे मिलेगी, वो मेरी 4 हफ्ते के बजाय 5 हफ्ते वो मेरे साबुन की भट्टी चली। इस तरह जो मम्मा ने सिखाया कि कैसे वस्त्र धोना है और कैसे कम खर्च वाला नशीन, यज्ञ का ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है। अच्छा, आप तेल है, छोटा तेल मिलता, थोड़ा सा मिलता, तो मम्मा ने सिखाया, नहीं ऐसे नहीं करो, हाथ की हथेली पे पानी का बूंद डालो पहले, फिर 2 बूंद तेल डाल के उसको हाथ में रगड़ के मिला लो, फिर लगा लो, तो वो तुम्हारा कम में हो जाएगा। तो इस तरह से मम्मा ने हर चीज़ को किफ़ायत इकोनॉमी से सिखाया, तो वो भी वहाँ पर सीखा मम्मा से।